वेलकम बैक गाइस। लास्ट वीडियो में हमने ये वाला होम पेज अपनी वेबसाइट के लिए डिज़ाइन किया था, राइट। इस वीडियो में हमें क्या करना है कि जो ये स्टैटिक कार्ड्स हैं, ठीक है, इसे कार्ड्स बोलते हैं एक एक को, तो ये जो स्टैटिक जॉब्स हैं इसकी जगह पे हमें अपनी जॉब्स डेटा बेस से पिक करके यहाँ पे शो करनी है, राइट। तो लेट्स सी अवर कोड होम डॉट एच टी एम एल में। तो सबसे पहले तो हम ये देखने यार कि किस एच टी एम एल की वजह से ये यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है, मतलब कौन सी क्या इनका कोड क्या है। तो कोड हमारा क्या है इनका, आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके राइट, ये तो हमारी हेडिंग हो गई थी, थोड़ा टेक्स्ट जो मैंने कल लिखा था वो हो गया, ये हमारा बटन हो गया, उसके बाद में हमारा ये शो हो रहा है, राइट। तो ओके तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यार पहला कार्ड, ठीक है, ये पहले कार्ड की कोडिंग है, ये हमारी दूसरे कार्ड की कोडिंग है, राइट। तो ऐसे हमारे पास में बहुत सारे कार्ड हैं, मैं किसी एक को कट या कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया इसे, और जो बाकी कार्ड हैं इन्हें यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि एक्चुअली एक्चुअल में हमें एक ही कार्ड से काम करना है, ठीक है। ये अलग अलग हर कार्ड के लिए अलग अलग बनाएंगे एच टी एम एल तो बहुत टाइम लग जाएगा, और ऊपर से यार हमारी जो कोड है वो भी लेंथी हो जाएगा, ठीक है। अगर बाई चांस हमारी जॉब्स ज़्यादा हो गई तो ऐसे में तो हम लगातार कार्ड ही कार्ड बनाते रहेंगे, राइट। तो हमें क्या करना है, यहाँ से इन सबको हटा देना है। ओके तो बेसिकली ये कार्ड का हमारा डिप टैग है ये वाला, मैंने इसे भी हटा दिया। ओके ओके तो हमारे कुछ और कार्ड बचे हुए हैं उन्हें भी हटा देते हैं, तो मैंने इसे भी हटा दिया। एक्चुअली एक कार्ड हमें ज़रूरत है, ठीक है, तो मैंने एक कार्ड ये वाला रख लिया, इसे नहीं हटाया। अगर हम वेबसाइट को अपने को रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक कार्ड रह जाएगा यहाँ पे, राइट। तो सेकेंड थिंग जो हमें इसमें करनी है वो हमारा ये है कि ये टेक्स्ट की जगह पे हमारा टेक्स्ट आए, ठीक है, और यहाँ पे एक इमेज आए, राइट। और उससे पहले हमें ये जो बटन्स हैं हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, ना यहाँ टाइम लेके आ रहा ना इसकी ज़रूरत है, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है डीप फ्लैक्स जस्टिफाई, तो ये तो हुआ हमारा टेक्स्ट जो हमें शो करना है, इसके नीचे का आइटम जो एक्स्ट्रा है वो हमें नहीं चाहिए, राइट। तो मैंने इसे यहाँ से कॉपी करके हटा दिया। अगर रिफ्रेश करूँ तो मैं यहाँ पे ना तो टाइम आ रहा है ना वो हमारा दो बटन आ रहे थे वो भी नहीं आ रहे हैं, राइट। तो हमें यही चाहिए था। अब बात ये आती है कि डेटा बेस से डेटा को फेच करके यहाँ पे कैसे शो करना है, राइट। तो अगर मैं सबसे पहले क्या करेंगे, अपने जो व्यूज़ है, ठीक है, जॉब्स का जो व्यू है उसके अंदर जाएंगे, हमें डेटा बेस से कुछ डेटा चाहिए। अगर हम पाइथन की बात करें, पाइथन सॉरी, अगर जावा वगैरह की बात करें, किसी और अदर जो हमारे वेब डेवलपमेंट मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क हैं, अगर उनकी बात करें तो वहाँ पे हम क्वेरीज लगाते हैं, क्वेरी सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नेम, राइट, या सेलेक्ट नेम फ्रॉम टेबल का नेम, या सेलेक्ट समरी फ्रॉम आगे टेबल का नेम। लेकिन अगर आप जेंगो यूज़ कर रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको करना है फ्रॉम डॉट मॉडल्स, जो हमारे पास मॉडल्स हैं उनमें से हमें यहाँ पे कौन सा मॉडल चाहिए, जॉब, राइट। तो मैंने यहाँ पे जॉब को इम्पोर्ट कर लिया, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि मैंने एक वेरिएबल बना लिया जॉब्स, उसके अंदर हमें क्या डालना है, जितनी भी जॉब्स हैं हमारी, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं हमारी जॉब के, ठीक है, इन द डेटाबेस। तो मैंने डाला जॉब डॉट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इससे क्या होगा कि जितने भी जॉब के ऑब्जेक्ट्स होंगे हमारे डेटाबेस में वो सारे के सारे फेच होके इस जॉब्स के अंदर आ जाएंगे, वेरी सिंपल। उसके बाद में अगर से फ्रंट एंड पे सेंड कैसे करते हैं, हमने पहले भी देखा था जब वर्ड काउंटर वेबसाइट बनाई थी, तो डेटाबेस से सॉरी हमारे किसी भी डेटा को सेंड करने के लिए फ्रंट एंड पे या हमारे टेम्पलेट पे हम करते हैं एज अ डिक्शनरी का यूज़, ठीक है। तो डिक्शनरी कैसे सेंड करते हैं, कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं, राइट। उसके बाद में अंदर डिक्शनरी की एक की देते हैं, मैंने एक की दे दी जॉब्स, ठीक है, सेम दे दी, और जो वेरिएबल का नाम है वो हमारा है जॉब्स। ओके तो मैंने यहाँ पे की दे दी और जो डेटा पास किया है वो हमारा है जॉब्स। ओके तो ये तो हो गया सेंड। अब हमें इसे रिसीव कैसे करना है, सबसे पहले तो यार हमें कितने कार्ड चाहिए, ठीक है, कैसे पता लगेगा कि जितने ऑब्जेक्ट हमारे डेटाबेस में हैं उतने ही हमें कार्ड चाहिए, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं। ओके कैसे करेंगे, यहाँ पे आपने जो कार्ड की कोडिंग है, कार्ड की कोडिंग को फॉर लूप के अंदर लेना है, ठीक है, हमें उतने कार्ड्स चाहिए जितने हमारे पास में ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ऐसे कैसे करेंगे, हम यहाँ पे एक लूप ओपन करेंगे, ठीक है, लूप लिखेंगे परसेंटेज परसेंटेज
अंदर, राइट। फॉर लूप चलाना है हमें, तो फॉर लूप चलेगा हमारा फॉर जॉब, ठीक है। जरूरी नहीं है जॉब ही लेना, यहाँ पे आप एक्स ले लो, यहाँ पे आप आई ले लो, वट एवर यू वॉन्ट, ठीक है। तो मैंने दिया फॉर जॉब इन जॉब्स, ठीक है। ये जॉब्स वो है जो हमने वहाँ से पास किया, जो हमने व्यूज डॉट पी वाई से पास किया है, राइट। तो ये हमारा वो डेटा है, तो मैंने जॉब्स डॉट ऑल, ये क्या करेगा कि जितने भी जॉब्स हमारे पास में हैं उन्हें वन बाय वन इस जॉब ऑब्जेक्ट के अंदर, इस जॉब वेरिएबल के अंदर डालता रहेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लूप चलाया और इस लूप को एंड भी करना होगा, तो एंड करेंगे हम यहाँ परसेंटेज परसेंटेज एंड इनसाइड इट, यहाँ पे करेंगे एंड फॉर, ठीक है। फॉर लूप को हमने एंड कर दिया, ये सिंटैक्स है हमारा फॉर लूप चलाने का टेम्पलेट के अंदर, ओके। तो ये हमारा फॉर लूप चल गया। तो अब इससे क्या होगा ना कि जितने कार्ड हमारे डेटाबेस के अंदर होंगे उतने कार्ड्स यहाँ पे शो कर जाएंगे, ठीक है, दैट इज द बेनिफिट। तो अब अगर हम अपना होम पेज रिफ्रेश करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक भी जॉब नहीं आ रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी तक हमने कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया डेटाबेस में, हमारे पास में डेटा ही नहीं है, ठीक है। जितना डेटा होगा, जितने ऑब्जेक्ट होंगे डेटाबेस में, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कार्ड्स बनते चले जाएंगे, क्योंकि हमने फॉर लूप का यूज़ किया है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी दिखाया है कि जब तक जितने भी जॉब्स हैं, ठीक है, वो सारी सेलेक्ट होके वन बाय वन प्रिंट होती रहेंगी, ओके। तो लेट्स चेक क्या करेंगे, थोड़ा डेटा ऐड कर लेते हैं अपने जॉब मॉडल के अंदर, अपन जॉब्स डेटाबेस के अंदर। तो मैं जॉब्स में गया, ठीक है, यहाँ पे एक आध ऐड जॉब कर दी, जो एक आध जॉब ऐड कर दी, ठीक है। कोई सी एक इमेज ले लेते हैं अभी के लिए, ही ले लेते हैं, जब हम इसे अपलोड करेंगे या फिर जब हम आगे देखेंगे तो इमेजेस चेंज कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल मैंने एग्जांपल के लिए ले लिया, दिस इज जॉब नंबर वन, सक्सेसफुली ऐड हो गया, ठीक है। अब यहाँ फिर मैंने सेम इमेज सेलेक्ट कर ली, लिख दिया दिस इज जॉब नंबर टू, ओके, फिर से सेव कर लिया, ओके। नाउ वी हैव टू जॉब्स, राइट। अब हम होम पेज पे जाते हैं तो देखते हैं कि कितनी जॉब्स वहाँ पे सिलेक्ट होती हैं, दो जॉब्स, राइट। यहाँ पे हमारे पास में दो ऑब्जेक्ट है तो दो जॉब्स आ गई हैं, लेकिन जो टेक्स्ट आ रहा है ये अभी भी स्टैटिक है, हमें इसकी जगह पे वो वाला टेक्स्ट चाहिए जो हमें शो करना है यूज़र के लिए, राइट, जो हमारे डेटाबेस से फैच हो के आए। तो हमारे पास में जॉब ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, और हमें ये टेक्स्ट जो हमारा शो हो रहा है वहाँ पे, हमें वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए इसकी जगह पे समथिंग एल्स, हमें चाहिए जो हमने डेटाबेस में स्टोर किया है, ठीक है। दिस इज जॉब नंबर वन, दिस इज जॉब नंबर टू, लाइक दैट। कैसे करेंगे, हमारे पास में जॉब है अभी, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा कि हर एक जॉब वन बाय वन इस जॉब के पास में आती रहेगी, ठीक है। हर एक डेटा पिक होगा, हर एक ऑब्जेक्ट पिक होगा और इस जॉब के पास में आ जाएगा, तो जो करेंट ऑब्जेक्ट होगा उसे ही जॉब रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो मैंने यहाँ पे दे दिया जॉब। एक्चुअली जब भी हम कोई डेटा प्रिंट करते हैं या जब भी हम डेटा फैच करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस, उसके अंदर आके जॉब, ठीक है, डॉट। अब यहाँ पे जॉब के डॉट के बाद हमें लगाना क्या है, हमें ये देखना था। अगर आप मॉडल्स में जाएं, हमारा टेक्स्ट हमें चाहिए यहाँ पे, ठीक है, जो भी हमारे जॉब के अंदर टेक्स्ट डाला है हमने, हमें वो टेक्स्ट चाहिए। अगर हम मॉडल्स के अंदर जाएं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि टेक्स्ट के लिए हमने समरी लिया था वेरिएबल, राइट। तो हमारे समरी के अंदर जो हमारा टेक्स्ट है वो समरी के अंदर होगा, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, होम डॉट एचटीएमएल खोला, जॉब डॉट समरी को प्रिंट कर दिया, ओके। और अगर इसे हम रिफ्रेश करें पेज को, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जॉब अलग, ये जॉब अलग, राइट। तो हमने अपने टेक्स्ट फैच कर लिया डेटाबेस से, ओके। अब बारी आती है हमारी इमेज की, ठीक है। अब वो इमेज फाइल से वहाँ से हमें उठानी है, तो कैसे करेंगे, डेटा सोर्स वाली लाइन को यहाँ से हटाते हैं, क्योंकि हमारी यही है जो इमेज को शो कर रही है। तो मैंने यहाँ से हटाया, ऑल्ट को हटा देंगे, ज़रूरत नहीं है इसके में, ठीक है। और यहाँ पे, ओके, यहाँ पे हम एक लाइन ऐड करेंगे सोर्स, ठीक है। इसके अंदर हमें देना होता है किसी भी इमेज का URL, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें डेटाबेस से उठानी है, तो मैंने डेटाबेस के लिए यहाँ से पाइथन यूज़ कर लिया। पाइथन का मतलब यहाँ पे हम डेटा को शो करेंगे, डेटा क्या होगा हमारा, जॉब डॉट इमेज, क्योंकि हमें इमेज का URL चाहिए, तो इमेज नहीं, इमेज डॉट URL यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। वापस गए फ्रंट एंड पे, रिफ्रेश किया, ओके। सो हियर यू कैन सी कि हमने डेटाबेस से अलग अलग इमेजेस फैच करके, ठीक है,
और जो उनकी अलग अलग टेक्स्ट है समरी है वो भी अलग अलग फेच होके यहाँ पे शो हो गई। दैट्स द ब्यूटी ऑफ जेंगो। एवरी टाइम अगर आपको कोई डेटाबेस फेच करना है या फिर अपलोड करना है डेटाबेस में, ठीक है, कोई डेटा आपको सेव करना है या फिर वहाँ से रिट्रीव करना है, तो यार हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी बातें जेंगो ऑटोमेटिकली कर देगा। ठीक है, हमें डायरेक्टली जाके लिखने की ज़रूरत नहीं कि सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम या सिलेक्ट समरी फ्रॉम डेटाबेस का नेम या फिर टेबल का नेम या फिर मतलब वो सब क्वेरी वेरी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ मॉडल क्रिएट करना है, वही मॉडल हमारे डेटाबेस में डेटा स्टोर करने के काम में आएगा, वही मॉडल हमारे डेटाबेस से डेटा फेच करने के काम में आएगा। तो आपने देखा कि कैसे हमने सिर्फ और सिर्फ व्यूज डॉट पाई के अंदर ये दो लाइन लिखने की वजह से अपना सारा डेटा वहाँ से फेच कर लिया। ओके, सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा जेंगो पढ़ के, अगर आपने किसी और फ्रेमवर्क पे काम किया है। अगर आपको अभी अच्छा लगा तो आई हैव समथिंग टू सरप्राइज यू। एक्चुअली वी हैव डिडेंट बिल्ड द ब्लॉग ऐप येट, राइट? तो अभी हमें ब्लॉग को बनाना है, वहाँ पे आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है, और अच्छे समझ में आएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।